मेरा नाम पूजा शर्मा है एंड आई एम ए क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर. आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं. मैं आपको पिछले 1-1.5 सालों से फॉलो कर रही हूं और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इस्लाम के लिए कुछ कुछ गलत फहमियाँ थी शायद वो क्लियर हो गई हैं. एंड जैसे आपने कहा, आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा, मैं सोचती हूँ क्योंकि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्ज करते जाओ, झूठ मत बोलो, किसी की अनजान हत्या मत करो. और जो जैसे कि एक बंदे ने बोला कि रिलीजन की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से. इवन आई एग्री विथ यू डॉक्टर जाकिर नायक, बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा, जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो. ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या करो. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो काफ़ी दूर हो गई हैं. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह. बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मैं तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक सही मज़हब है और नफरत नहीं सिखाता, किसी का बिना वजह कत्ल नहीं करना सिखाता है. और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुभान तआला से बहन कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, ये इंशाल्लाह आपको आपके रब के और करीब ले आएगा इंशाल्लाह. और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको हिदायत दे. और इस कुरान मजीद का तर्जुमा मैं दरख्वास्त करूँगा मेरी अहलिया से, अगर वो लेडीज़ के सेक्शन में हैं तो इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे, अंग्रेज़ी में या हिंदी में, जो भी ज़बान हो चाहती है. और मैं दुआ करूँगा इंशाल्लाह कि आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, इंशाल्लाह और हिदायत पाएंगे. जज़ाकअल्लाह. थैंक यू. सो आई वुड लाइक टू थैंक यू डॉक्टर जाकिर नायक की बहुत सारी कन्फ्यूजन्स थी जो काफ़ी दूर हो गई हैं. थैंक यू. जज़ाकअल्लाह. बहन ने कहा कि वो तकरीबन 1.5 साल से मैं तकरीर सुन रही है और उन्हें यकीन हो गया है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम एक सही मज़हब है. मेरा नाम पूजा शर्मा है एंड आई एम ए क्लिनिकल डेटा कोऑर्डिनेटर. आई वुड लाइक टू थैंक कि आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं आपको थैंक यू बोल सकूं. मैं आपको पिछले 1-1.5 सालों से फॉलो कर रही हूं और मेरे अंदर जो मुस्लिम और इस्लाम के लिए कुछ कुछ गलत फहमियाँ थी शायद वो कि अनजान हत्या मत करो. और जो जैसे कि एक बंदे ने बोला कि रिलीजन की वजह से इतने दंगे फसाद हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस वजह से. इवन आई एग्री विथ यू डॉक्टर जाकिर नायक, बिकॉज मैं जहाँ तक जानती हूँ, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इस्लाम में नहीं लिखा, जो हम बोलते हैं ना कि टेररिस्ट आधा से ज्यादा मुस्लिम होते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है. इस्लाम में लिखा है कि जब आप किसी की बेवजह हत्या करते हो कि तो आप शायद मुस्लिम नहीं हो. ये इस्लाम में नहीं लिखा है कि आप किसी की हत्या करो बीइंग अ मुस्लिम, आप किसी की हत्या करो या बीइंग अ हिंदू किसी की आप हत्या कर, क्लियर हो गई हैं. एंड जैसे आपने कहा, आपने कुरान की कई आयतों के बारे में कहा, मैं सोचती हूँ क्योंकि गीता हो, कुरान हो, बाइबल हो, कोई भी हो, सब में एक ही बात कॉमन लिखी है कि आप अपने फर्ज करते जाओ, झूठ मत बोलो किसी की.